Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today I will teach you lesson number 4, material, metals and non-metals. Material, metals and non-metals of class 8th science. As material, there are many things found around us. All are materials. Materials जो हमारी चारों ओर जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं हम उनको मटेरियल कहते हैं. उसमें दो प्रकार के मटेरियल होते हैं. मोस्टली मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टू काइंड्स ऑफ मटेरियल एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. देखिए मटेरियल को हम मुख्य रूप से दो प्रकार दो भागों में बांट सकते हैं. मेटल्स यानी धातु और अधातु. हिंदी में हम इसको धातु और अधातु बोलेंगे. तो व्हाट इज मेटल्स एंड व्हाट इज नॉन मेटल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. प्लीज वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल एंड नॉट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Have you ever seen a blacksmith beating an iron piece of an article made up of iron like a spade, a shovel and an axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? Would you expect a similar change if we try to beat a piece of coal? Let us find. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे लोहे से बनी चीजें, लोहे से बनी वस्तुओं को हम पीटेंगे और फिर उस पर हम विचार करेंगे और उसी की जगह एक लकड़ी या लकड़ी का कोयला उसको पीटेंगे तो उसमें क्या होगा. इस प्रकार से हमने उनके बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है कि मेटल क्या है और मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंड नॉन मेटल क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. नाउ अगेन यू सॉ द शेप ऑफ द आयरन nail and the aluminium wire changed on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheets. You might be familiar with the silver foil used for decorating sheets. You must also be familiar with the aluminium foil used for wrapping food. The property of metal by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. This is a characteristic property of metal, as you must have noticed. Materials like coal and pencil lead do not show this property. Can we call these metals? Can you hold a hot metallic? देखिए हमने लोहे एल्यूमिनियम आदि को पीटा, उसमें से आवाज़ आई और ज़्यादा तेजी से पीटा तो उसमें उसको हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं. उसको हम एक चादर के रूप में फैला सकते हैं, सीट्स बना सकते हैं उसकी. तो क्या यही गुण हम एक कोयले के ऊपर मारेंगे ठीक, या पेंसिल का
का जो लेड होता है उसमें मारेंगे, उसको पीटेंगे, क्या उसमें भी यही गुण है, उसमें उसकी भी चादर बनेगी? तो ये चीजें देखनी है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटलिक पान विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? परहैप्स नॉट। वाई ट्राई टू लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंसेस, सम अदर एक्सपीरियंसेस इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बींग हर्ट वाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस वट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाई वुड एंड प्लास्टिक? यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, वाई? लेट अस फाइंड। देखिए, हम जो है एक सॉस पैन को जब हम गैस के ऊपर रखते हैं या हीट पर रखते हैं तो देखते हैं अगर उसका हैंडल प्लास्टिक या वुड का नहीं होता है तो उसको हम किसी कपड़े से पकड़ते हैं, क्योंकि जो उसमें हीट होती है वो ट्रांसफर, वो कंडक्टर होता है, हीट का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इसलिए उनमें उनके हैंडल या स्क्रू के हैंडल, इलेक्ट्रिशियन के पास स्क्रू जो होता है उसका हैंडल, वो प्लास्टिक के होते हैं, बनाए जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर नहीं होता है। तो ये चीजें इसमें एक्टिविटी हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स। यू अब जब हम ऐसा करते हैं तो देखते हैं कि अब वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? अब जैसे हम कॉपर का वायर बनाते हैं, एल्यूमिनियम का वायर बनाते हैं, तो इनका यूज कहाँ किया जाता है? ठीक, हैव यू सीन वायर ऑफ कोल? क्या आपने कभी कोयले का तार देखा है? नहीं देखा है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये जो प्रोसेस है किसी धातु को पतला करके तार के रूप में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तन्यता, तार के रूप में उसको बदला जाता है। Have you ever seen, notice the difference in sounds of dropping an iron sheet plate, a metal coin and a pieces of coal on the floor? If not, you can try it now. Do you note any difference in the sound produced? Have you seen wooden bells in the temples? Can you give a reason? The things made of metals produced a rising sound when struck hard. Suppose you have two boxes similar in appearance, one made of wood and other of metal. Can you tell which box is made of metal by striking both the boxes? Since metal produced rising sounds, they are said to be snorers. The materials other than metals are not snorers. After performing the above activities, these are the physical properties of metals, hard. We can say that some metals are hard. Lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductor of heat and electricity. These properties are of the metals.
ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, हार्डनेस, लस्ट्रॉस, मेलिएबल, डक्टाइल, स्नोरोस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. द मेटेरियल विच जनरली प्रोसेस द प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स. ये जो इस प्रकार की जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी पाई जाती हैं वो मेटल्स होती हैं. द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा. इन कंट्रास्ट मेटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस. दे ब्रेक डाउन इंटू अ पाउडरी मास ऑन द टैपिंग विद अ हैमर. दे आर नॉट स्नोरोस एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दीज मेटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स. द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा. तो बच्चों, जो मैंने अभी तक पढ़ाया इसको ध्यानपूर्वक आप भी पढ़िएगा और वीडियो को भलीभांति देखिएगा. अगले वीडियो में मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखाऊंगा और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिफरेंस बताऊंगा. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तथा शेयर्स भी कर दीजिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद.